क्वेश्चन है कि मेरे पास इलेक्टिव इंग्लिश, होम साइंस एंड फाइन आर्ट्स है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से सब्जेक्ट चूज़ करूं और ये बेस्ट। अच्छा, इंग्लिश ऑनर है, इसको यहाँ लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है इन्होंने? फर्स्ट सबसे पहले ग्रेजुएशन में इन्होंने इलेक्टिव इंग्लिश ये ऑनर एच भी लिख लिया मैंने साथ में, और होम साइंस और फाइन आर्ट्स। तो क्योंकि ऑनर्स है, इंग्लिश है, इसके लिए डायरेक्ट इन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने 3 साल ये पढ़े हैं कि नहीं। इलेक्टिव सब्जेक्ट है ना, इलेक्टिव ही होंगे 3 साल अगर पढ़े हुए हैं तो। इलेक्टिव इंग्लिश के बेस पर ये TGT के लिए, यहाँ पर लास्ट में TGT का बनता है, TGT के लिए एलिजिबल बन रहे हैं। आपको इंग्लिश नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार ऑनर्स आपने की हुई है और आपको पैडागोजी ऑफ इंग्लिश ले लेनी चाहिए। दूसरी बात, इंग्लिश की पोस्ट जो पीछे निकली है वो काफ़ी मात्रा में है, 700-800 के करीब निकली हैं, 2015 और 22 में भी है। तो ये आप 100% इसको ऑप्ट करें, ये टिक मैंने 2 के 3 लगा दिए हैं। दूसरी बात है कि आपको इसमें से होम साइंस या फाइन आर्ट्स में से लेना पड़ेगा। अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो तो आपको इंग्लिश एज ए मेजर सब्जेक्ट मिल जाएगा। पंजाबी और पंजाब यूनिवर्सिटी में ये मेजर सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। इट मीन्स अगर मेजर बनता है तो आपने अगर जनरल पंजाबी पढ़ी हुई है, जनरल पंजाबी पढ़ी हुई है, अगर आप उधर जाना चाहते हो तो आप इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी भी ले सकते हो, दोनों के लिए एलिजिबल बन सकते हो। पर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे क्योंकि जनरल पंजाबी पढ़ी है, उसके बाद आपको एडिशनल देना पड़ेगा इलेक्टिव पंजाबी का। इलेक्टिव पंजाबी का देके फिर आप इंग्लिश के लिए पक्का एलिजिबल हो, उसके बाद आप पंजाबी के लिए भी एलिजिबल बन जाओगे। अच्छा, अब आपके पास दो तीन चॉइस हैं। एक तो आप इंग्लिश और पंजाबी अगर आप बीएड के एकदम बाद ही एलिजिबल होना चाहते हो, एडिशनल नहीं करना चाहते, तो आप होम साइंस और फाइन आर्ट्स में से चूज करोगे। तो इनकी पोस्ट बहुत कम होती है, पंजाबी की ज़्यादा होती है। और आपका एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पर लिखा भी आपकी नॉलेज कितनी है, इंटरेस्ट कितना है ना, तो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स, ये फैक्टर भी हैं। लेकिन यहाँ पॉजिटिव पॉइंट आपका ये है कि ये आपने होम साइंस मेरे ख्याल में 3 साल पढ़ा होगा और ये भी 3 साल पढ़ा होगा। अगर इलेक्टिव इलेक्टिव ये पढ़े हैं तो आप अगर पेडागोजी ऑफ होम साइंस जहाँ पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स लेते हैं इंग्लिश के साथ, तो आप दोनों सब्जेक्ट के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब ये डिसाइड आपने करना है कि आपको इन तीनों में से क्या, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस में ज़्यादा आप इंजॉय करते हो, किस में ज़्यादा आपकी नॉलेज है, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हो। और बाकी मैंने ये पंजाबी का बता दिया कि आपका स्कोप इससे ज़्यादा है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, तो इंग्लिश आपका रहेगा ही रहेगा। अगर आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हो फिर आपको ये पंजाबी नहीं मिलेगा, GNDU में ये नहीं मिलेगा। तो फिर आपको इंग्लिश के साथ होम साइंस या इंग्लिश के साथ फाइन आर्ट्स ही लेना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर तीर सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।